हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. दिस इज़ आकाश अलमुले. वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है. ओके, तो चलिए दोस्तों, स्टूडेंट्स, आज से हम MNS जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए जो एग्ज़ाम होने वाली है 14th ऑफ जनवरी को, ओके, 14th ऑफ जनवरी को एग्ज़ाम है इनका, ठीक है, 14th ऑफ जनवरी 2024 को. ओके, सो बात यह है कि इससे रिलेटेड हमने MNS हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, ओके, प्लस कुछ इम्पोर्टेंट रिकॉर्डेड वीडियोस भी हमारे कोर्स में हम लोग दे रहे हैं. ओके, सो अभी हमने सोचा कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक नर्सिंग है, ओके, बेसिक नर्सिंग के यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 MCQs आपको ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं, आप सभी को पता है. देन 100 MCQs आपके क्लिनिकल स्पेशलिटी इसमें आने वाले हैं, 10 आपके जनरल इंग्लिश, ओके, एंड 10 जो रहेंगे वो आपके एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड जनरल इंटेलिजेंस. ओके, ऐसे मिला के आपका जो पेपर है 150 मार्क्स का रहने वाला है. सभी को पता है इसमें कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं है. ओके, ठीक है, आपको पासिंग के लिए जो भी क्राइटेरिया दिया है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ओके, उससे रिलेटेड हमने अभी एक सीरीज लेके आ रहे हैं कि यहाँ पे रोज आपको 15 MCQs मिलेंगे यहाँ पे, और 15 MCQs से रिलेटेड रैशनल हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. तो ओके, होप सो अगर वीडियो पसंद आता है या मेरे आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम शेयर करिए. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभी. तो हमारा जो पहला सवाल है आज का वो बनने वाला है, फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज इस्टेब्लिश्ड बाय. अभी यहाँ पे बोला है कि पहला जो स्कूल ऑफ जो फॉर्मल नर्सिंग स्कूल, ओके, जो फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग किसने इस्टेब्लिश किया. तो यहाँ पे वर्जीनिया हेंडरसन है, थियोडोर फ्लिडनर है, देन उसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इसाबेल हैम्पटन है. ओके, तो इसका राइट आंसर जाएगा थियोडोर फ्लिडनर. ओके, तो ये क्यों राइट आंसर. अब सब बोलेंगे कि फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग, तो सभी आंसर मोस्ट ऑफ द सबके मन में क्या आएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल. ओके, बट आपको बता दूं, जो ये जो थियोडोर फ्लिडनर है, ओके, ये कौन है. तो ये इन्होंने क्या किया, ही वॉज द पास्टर फ्रॉम कहाँ से, जर्मनी से. ओके, तो इन्होंने 1836 में स्कूल चालू किया, नर्सिंग स्कूल चालू किया, ओके, हॉस्पिटल में, क्योंकि ये डेडिकेट किया था कि सिस्टरहुड डेडिकेटेड, जस्ट लाइक उन्होंने फॉर द केयर ऑफ सिक पर्संस उन्होंने ये चालू किया. यहाँ पे 3 इयर्स का ट्रेनिंग स्कूल होता था नर्सिंग के लिए. ओके, नर्सेस को ट्रेन किया जाता था, और यही से जो हमारे लेडी विद द लैम्प, जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, ओके, ये यहाँ से नर्सिंग पास आउट हुए, या नर्सिंग यहाँ से उन्होंने सीखी. ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. अब बात करेंगे कि इसका राइट आंसर तो आपको पता चल गया, बट यहाँ पे बात आती है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आपको क्या पता है. तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो बर्थ हुआ, ओके, तो बर्थ कब हुआ बता सकते हो. इनका जो बर्थ ये हुआ 12th में. सिंपल MCQs है ये, बट बहुत इम्पोर्टेंट है. 1820 में इनका बर्थ हुआ, ये सभी को पता है. कहाँ पे हुआ ये, इटली में इनका बर्थ हुआ. कौन से कंट्री में, इटली में. ओके, इटली में फ्लोरेंस, ओके, फ्लोरेंस जो सिटी है, ओके, वहाँ पे, ओके, ठीक है. इनका डेथ खूब हुआ, अब ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो डेथ इनका हुआ 13th अगस्त 1910 को इनका डेथ हुआ. अब सभी को पता है जो 12th में है, 12th में हम इंटरनेशनल नर्सेस डे बोल के हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. ओके, एवरी ईयर 12th में हम इंटरनेशनल नर्सेस डे बोल के सेलिब्रेट करते हैं. हर साल में इसका जो थीम होता है वो चेंज होते रहता है. तो प्लीज़ कमेंट में 2024
23 का जो थीम है वो आप याद कर लेना, ओके। 2023 का जो थीम था वो पता रहना चाहिए, एंड 2024 में क्या थीम आने वाला है, क्या बनने वाला है, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ WHO से रिलेटेड 2023 का एंड 2024 का जो थीम रहेगा वो भी आपने याद कर लेना, ठीक है। ओके, तो ये पहला MCQ हो गया। अभी दूसरा MCQ देख लेते हैं। अब ये दूसरा MCQ क्या लिखा है, यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्रैक्टिकल नर्सिंग स्कूल इन द यूनाइटेड स्टेट। ओके, तो इसका जो फर्स्ट प्रैक्टिकल जो नर्सिंग स्कूल था यूनाइटेड स्टेट में वो था बलार्ड स्कूल। ओके, ये भी एक 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें सवाल आया था एम्स भोपाल का। ओके, तो ये था बलार्ड स्कूल इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ, ओके, द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। ओके, जो ICN, ओके, ICN का जो हेड क्वार्टर है वो कौन सा है। तो ICN का जो हेड क्वार्टर है, ICN का, ये कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर जाएगा, इसका राइट आंसर जिनेवा। ओके, ये ध्यान में रखना आप। ओके, ICN का हेड क्वार्टर। अब नेक्स्ट सवाल है, फोर मेटा पैराडिगम ऑफ नर्सिंग। ओके, तो मेटा पैराडिगम यानी क्या होता है। सबसे पहले तो अपन समझ लेते हैं कि पैराडिगम क्या होता है। ओके, पैराडिगम्स, ओके, ये पैराडिगम्स का मतलब होता है, आपको ध्यान में रखना, कंसेप्चुअल मॉडल। ओके, कंसेप्चुअल मॉडल बोला जाता है और फ्रेमवर्क बोला जाता है कोई भी चीज़ का। ओके, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो क्या बोलेंगे कि फोर मेटा पैराडिगम ऑफ नर्सिंग थ्योरी क्या होता है, उन्होंने पूछा है। तो इसका राइट आंसर ये बनेगा कि यहाँ पे ऑप्शन ए जाएगा, पर्सन हेल्थ एनवायरनमेंट एंड नर्सिंग। अब पर्सन हेल्थ एनवायरनमेंट एंड नर्सिंग क्यों, क्योंकि ध्यान में रखना जब पैराडिगम की बात करते हैं तो नर्सिंग पैराडिगम में चार मेजर कंसेप्ट है। ओके, नर्सिंग पैराडिगम में कितने हैं, चार मेजर कंसेप्ट है। ओके, अब चार मेजर कंसेप्ट कौन से हैं, तो आपको बता दूं, पर्सन, ओके, पर्सन को ही हम क्लाइंट बोलते हैं। दूसरा है हेल्थ आता है, तीसरा एनवायरनमेंट आता है, ओके, एंड चौथा जो आता है वो नर्सिंग आता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखने वाली बात है। ओके, तो ये सब को, ये चार चीज़ों को, ये फोर मेटा पैराडिगम ऑफ नर्सिंग बोला जाता है, और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पैराडिगम कौन सा है, तो वो है पर्सन। ओके, पर्सन और क्लाइंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैराडिगम है। ओके, एंड कंसेप्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, पर्सन एंड क्लाइंट। ओके, नेक्स्ट सवाल है, अ नर्सिंग थ्योरी और फ्रेमवर्क मॉडल ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगल वॉज। अब नाइटिंगल जो है, फ्लोरेंस नाइटिंगल, इनको ही हम लेडी विथ लैम्प भी बोलते थे। ओके, लेडी विथ लैम्प। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगल ने कौन सा मॉडल दिया था या कौन सी थ्योरी दी थी। आप सभी को पता है फ्लोरेंस नाइटिंगल की एनवायरमेंटल, ओके, क्या था, एनवायरमेंटल सैनिटेशन थ्योरी दी थी। ओके, एनवायरमेंटल सैनिटेशन थ्योरी फ्लोरेंस नाइटिंगल ने दी थी, जिसके अंदर 13 कंसेप्ट थे। कितना कंसेप्ट थे, 13 कंसेप्ट थे। ओके, इसके अंदर 13 कंसेप्ट थे जो कि प्योरली रिलेटेड टू द एनवायरमेंट से रिलेटेड था। तो इनका कंसेप्ट यही था कि हम इस तरीके से एनवायरमेंट मॉड्यूलेट करेंगे या अल्टर करेंगे, उससे पेशेंट के अंदर हीलिंग बहुत अच्छे से हो, बहुत जल्दी से हो। क्योंकि नेचुरल हीलिंग, जो अच्छा एनवायरमेंट देंगे, दैट मीन्स अच्छा वेंटिलेशन देंगे, अच्छा लाइट देंगे, अच्छा नॉइस मेंटेन करेंगे, अच्छा डाइट देंगे, अच्छा क्लिनलीनेस रखेंगे, तो पेशेंट में नेचुरली बहुत जल्दी हीलिंग होगी। तो इसका राइट आंसर था नेचुरल हीलिंग, ये इसका राइट आंसर है। ओके, ये फ्रेमवर्क जो मॉडल ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगल वॉज, दिस इज नेचुरल हीलिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ एनवायरमेंटल सैनिटेशन थ्योरी का यही कंसेप्ट था। ओके, कि नेचुरल इस तरीके से एनवायरमेंट मॉड्यूलेट किया जाए कि नेचुरली पेशेंट में हील हो, नेचुरली हील हो।
नेक्स्ट सवाल है, राइट रूट टू चेक द टेम्परेचर इन टू द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे बोला है कि चिल्ड्रन में कौन सा राइट रूट है कि जहाँ से हम टेम्परेचर क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो इसका राइट आंसर जाएगा एक्जिलरी मेथड। अब क्यों एक्जिलरी मेथड, कि भाई सबको पता है रेक्टल होता है, ओरल होता है, ओके, तो ये सबके सब होने चाहिए, नहीं। तो इसका मतलब अभी यहाँ पे हम रैशनल देखेंगे कि बेसिकली जो एक्जिलरी मेथड होती है, दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज साइट, ओके, मोस्ट कॉमनली यूज साइट फॉर किसके लिए, न्यूबॉर्न के लिए, ओके, इन्फंट के लिए, ओके, एंड चिल्ड्रन के लिए मोस्ट कॉमनली, और मोस्ट कॉमनली यूज साइट है ये तीनों के लिए, ओके, क्या है, एक्जिलरी मेथड, ओके। हाँ, अब ओरल मेथड, ओरल मेथड हम कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं चिल्ड्रंस में, जो भी बच्चे 6 साल के जो नीचे के होते हैं उनको जो ओरल मेथड होती है, ओरल मेथड ऑफ चेकिंग टेम्परेचर, ओके, ये हम कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं किन में, कॉन्ट्राइंडिकेट करके जिन जो बच्चे बिलो 6 साल के नीचे के होते हैं उनमें, क्योंकि ये क्या करेंगे, बाइट करेंगे, क्या करेंगे, बाइट करेंगे, ओके। अब ये हो गया, अब फिर हम रेक्टल मेथड क्यों नहीं, रेक्टल मेथड क्यों नहीं यूज़ कर रहे, तो मेन चीज़ है कि रेक्टल मेथड तो बेस्ट मेथड है, आप सभी को पता है, ओके, इट गिव्स मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग, बट इट शुड नॉट बी यूज इन द यंग चिल्ड्रंस। जो बच्चे बिलो 3 ईयर्स के होते हैं इनमें हम रेक्टल टेम्परेचर गिनते नहीं है या मेजर नहीं करते हैं, क्योंकि एज मच एज पॉसिबल हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट मेथड और अच्छा करेक्ट वैल्यू हमको रेक्टल मेथड देती है, बट बिलो 3 ईयर्स के बच्चों में हम लोग ये यूज़ नहीं करते, क्योंकि इट मे डैमेज द एनल स्पिंक्चर। क्या होगा, इट मे डैमेज एनल स्पिंक्चर, ओके, क्या करेगा, एनल स्पिंक्चर को डैमेज करेगा इसके वजह से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, वाइल टेकिंग टेम्परेचर फ्रॉम रेक्टल रूट, ओके, चिल्ड्रन थर्मोमीटर शुड बी इंसर्टेड अबाउट, ओके। अब यहाँ पे बोला है कि रेक्टल टेम्परेचर हमको लेना है तो किसका, चिल्ड्रन का, तो थर्मामीटर चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन की बात कर रहे हो, ओके, चिल्ड्रन में थर्मोमीटर जो रहेगा वो कितना इंसर्ट करना है, ओके, थर्मोमीटर कितना इंसर्ट करना है, काम काय पे, एनल स्पिंक्चर पे, ओके, एनल स्पिंक्चर पे। तो अभी सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे 0.5 इंच है, 1 इंच है, 1.5 इंच है, 2 इंच है, ओके, तो इसमें से मेन इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 1 इंच, ओके। अब बोलेंगे सर हम तो 1.5 इंच भी करते हैं, 0.5 इंच भी करते हैं, तो देखो अब इसका अभी देखेंगे। देखो जब भी हम टेम्परेचर रेक्टल रूट से जब टेम्परेचर हम लोग लेते हैं तो जो थर्मामीटर रहेगा वो नियर अबाउट 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी 0.5 इंच बोलेंगे, इतना किन में इंसर्ट करते हैं हम, इन्फंट में। 0.5 इंच यानी होता है 1.25 सेंटीमीटर होता है, ओके, ये बेसिकली हम करते हैं इन्फंट के लिए। इन्फंट में थर्मामीटर कितना, एनल स्पिंक्चर में हम रेक्टल जब टेम्परेचर लेते हैं कितना डाल सकते हैं, 0.5 इंच, ओके, ये हो गया। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर हम चिल्ड्रन को लेते हैं, अगर हम चिल्ड्रन की बात कर, इन्फंट हो गया, अभी हम चिल्ड्रन की बात करते हैं, तो उनमें हम 1 इंच, ओके, उनमें हम 1 इंच डाल सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं, तो कितना सेंटीमीटर होगा, 2.5 सेंटीमीटर होगा, ओके, 2.5 सेंटीमीटर होगा। एंड जब हम एडल्ट की बात करते हैं, जब हम एडल्ट की बात करते हैं कि एडल्ट में अगर रेक्टल टेम्परेचर लेना है तो थर्मामीटर कितना हम इंसर्ट करना है, तो एडल्ट में 1.5 इंच हमने इंसर्ट करना है, तो इसका मतलब होता है कितना सेंटीमीटर, इसका होता है 3.8 सेंटीमीटर हम क्या कर सकते हैं, जो थर्मामीटर रहते हैं वो उसको इंसर्ट करते हैं। एंड कितना मिनट तक थर्मामीटर अंदर रखना है एनल स्पिंक्चर में, तो ये रखना है 5 मिनट तक, कितना, 5 मिनट तक, ओके, इतना चीज़ आपको ध्यान में आ गई है, ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सवाल है इसमें कि व्हेन असेसिंग रेक्टल टेम्परेचर लेते टाइम पे नर्स वुड यूज एक्सट्रीम केयर, ओके, एक्सट्रीम केयर व्हेन इंसर्टिंग द थर्मामीटर टू प्रिवेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। देखो रेक्टल टेम्परेचर के टाइम लेते टाइम पे जब हम
थर्मामीटर जब इंसर्ट करते हैं रेक्टम में, ओके, तो हमको कौन से चीज़ों की ध्यान रखना है? यहाँ पे लिखा है टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, इंक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज रेस्पिरेशन, ओके। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हम अगर डिक्रीज इन हार्ट रेट होता है तो, अभी देखो जब भी हम रेक्टम में इंसर्ट करते हैं क्या थर्मोमीटर, ओके, थर्मोमीटर, तो क्या होता है यहाँ पे ब्रैडी कार्डिया का चांस होता है। अब ब्रैडी कार्डिया क्यों होता है, ब्रैडी कार्डिया क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इट मे स्टिमुलेट वैगस, वैगल नर्व स्टिमुलेट हो सकती है। आप सभी को पता है वैगल नर्व स्टिमुलेट अगर बैठा तो वेसोवैगल शॉक में पेशेंट जा सकता है एंड वहाँ पे मेजर सिम्टम्स जो रहेगा, सॉरी ये रहेगा, वो रहेगा क्या, डिक्रीज हार्ट रेट, ओके। पेशेंट की जो हार्ट रेट रहेगा, जो पल्स रहेगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इंडिकेट्स थर्मोमीटर इन डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रॉम, ओके। अब उन्होंने बोला है एक क्लिनिकल थर्मोमीटर, यहाँ पे फोटो दिख रहा है आपको, दिस इज द बल्ब, ओके, यहाँ पे मर्क्यूरी रहेगा और ये स्टेम रहेगा, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता रखना है क्लिनिकल जो थर्मामीटर है, ओके, यहाँ पे किस तरीके से इंडिकेशन रहता है कि टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, कौन सी यानी वैल्यू स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक रहता है वैल्यू, ये पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि यह जो ग्रेडिंग रहेगी क्लिनिकल थर्मामीटर की, वो स्टार्ट होती है 35 to 43.3 सेल्सियस तक रहती है, ओके, ध्यान में रखना 35 से लेके 43, अगर ये बात करते हैं सेंटीग्रेड की, ओके। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो ये होती है 95 to 110 degrees Fahrenheit, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस, ओके। तो ये देखो नियरेस्ट लेना है हमको, इतना ध्यान में रखना, ओके। सो यहाँ पे 95 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर रहेगा, ओके। अगर बात, ये तो हो गया क्लिनिकल थर्मामीटर, ये क्लिनिकल थर्मामीटर, अगर हम लोशन थर्मामीटर की बात करते हैं, ओके, लोशन थर्मामीटर की अगर बात करते हैं तो लोशन थर्मामीटर कैसा रहता है, तो यहाँ पे इसकी रेंज 0 to 100 degrees Celsius की रहती है, 0 to 100 degrees Celsius, दैट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहेगा इसका, फ्रीजिंग पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट का रहेगा एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा 212 फ़ारेनहाइट का, ये लोशन थर्मामीटर का, ओके, ठीक है। अब दूसरी बात ये आएंगी यहाँ पे कि जो थर्मामीटर है उसको हम क्लीन कैसे, सॉरी इसको हम क्लीन कैसे करते हैं, कौन से डायरेक्शन में, तो ध्यान में रखना बिफोर यूजिंग, ओके, बिफोर यूजिंग हम इसको क्लीन कैसे करेंगे, बिफोर यूजिंग थर्मामीटर वी हैव टू क्लीन दिस थर्मामीटर फ्रॉम द बल्ब, ओके, बल्ब से लेके स्टेम तक जाना है, ओके, एंड आफ्टर यूजिंग ये थर्मामीटर को कैसे क्लीन करना है, फ्रॉम द स्टेम टू बल्ब, ओके, ये ध्यान में रखना, स्टेम टू बल्ब जाना है, ओके। अब बात ये भी आती है क्योंकि यहाँ पे हमको क्या, क्यों जाना है स्टेम टू बल्ब, क्योंकि हमको यहाँ पे कंटेमिनेशन से प्रिवेंट करना है, दैट्स व्हाई, ओके। अब दूसरी बात ये आएंगी कि ये जो क्लीन क्लिनिकल थर्मामीटर है, क्लिनिकल थर्मामीटर इसको हम क्लीन कैसे करेंगे, तो इसको हम क्लीन करेंगे टैप वाटर से, कैसे, टैप वाटर से क्लीन करेंगे एंड उसके बाद हम उसको डिसइन्फेक्ट करेंगे। अब बात करेंगे कि कौन कौन से डिसइन्फेक्शन या डिसइन्फेक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको क्लीन करने के लिए, तो यहाँ पे डेटॉल यूज़ कर सकते हैं हम, ओके, सेवलॉन यूज़ कर सकते हैं हम, ओके, लाइसॉल यूज़ कर सकते हैं हम, और एक है दैट इज़ फेरजेनोलॉल, ओके, दैट इज़ फेरजेनोल, ओके, ये सब हम, ये चार चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसका स्ट्रेंथ कितना रहेगा, तो बेसिकली इसका स्ट्रेंथ आपको ध्यान में रखने वाली बात है, इसका जो स्ट्रेंथ रहेगा, अगर समझो डेटॉल का स्ट्रेंथ पूछा थर्मामीटर क्लीनिंग के लिए, ओके, तो इसका स्ट्रेंथ 1:40 का रहता है, 5 मिनट तक हमको उसमें डुबे के
डुबा के रखना पड़ेगा। अगर हम सेवलॉन की बात करेंगे तो इसका स्ट्रेंथ 1:20 का रहता है, वो भी 5 मिनट के लिए। अगर हम लाइसॉल का बात करेंगे तो इसका स्ट्रेंथ 1:40 का रहता है, ये 3 मिनट के लिए ही हम उसको रखना है हाथ में, ओके। एंड लास्ट का अगर फेयर दैट इज फेयर जेनॉल, ओके, फेयर जेनॉल अगर किसकी अगर बात करते हैं तो इसका स्ट्रेंथ रहेगा 1:40 का, और ये भी 5 मिनट के लिए। तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि इसका स्ट्रेंथ, इसका वॉशिंग, इसको डिसइनफेक्ट कैसे करते हैं। तो वॉश टू क्लीन हम टैप वाटर से करते हैं, लेकिन उसको बाद में डिसइनफेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली चीज़ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर में कितना डिफरेंस रहता है, ये पूछा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 0.6 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमको सभी जगह पे सेल्सियस में पूछा है, ध्यान में रखना। आप सभी को पता है फ़ारेनहाइट इजीली सबको पता रहता है, लेकिन सेल्सियस का किसी को पता ही नहीं रहता है। तो ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर में कितना डिफरेंस रहता है, देखो जब हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, ओके, एक्जिला से, ओके, वो लोवेस्ट कितना रहता है ध्यान में रखना, ओके, ये रहता है इसका 90 एक्जिला की, अगर एक्जिला की बात करेंगे, ओके, एक्जिला से हम टेम्परेचर अगर चेक करते हैं तो इसका जाता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर सेंटीग्रेड में बात करेंगे तो 36.4 डिग्री सेल्सियस, ओके, ये लोवेस्ट रहता है, ओके, ये रहता है लोवेस्ट, ओके। अब अगर हम रेक्टम की बात करेंगे, ये हाईएस्ट रहता है, ओके, अगर रेक्टम से हम टेम्परेचर रहते हैं तो ये कितना रहता है हाईएस्ट, 99.6 डिग्री ये फ़ारेनहाइट रहता है, और 37.5 सेंटीग्रेड रहता है, ये हाईएस्ट रहता है, ओके, हाईएस्ट, लोएस्ट एंड हाईएस्ट, एक्जिला लोएस्ट रहता है एंड रेक्टम ये हाईएस्ट रहता है, ध्यान में रखना, ओके। एंड जो ओरल रूट रहता है, जो ओरल, ये एवरेज रहता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ओरल रूट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको अगर इसमें कन्वर्ट करेंगे सेंटीग्रेड में तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपको यहाँ पे मिलेगा, ओके, ये डिफरेंस आपको पता चल गया। तो यहाँ पे पता जाओ कि देयर इज ऑलवेज 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस रहेगा, किसमें, एक्जिला में, ओके, एक्जिला में मैं लोवेस्ट टू रेक्टम में, ओके, एक्जिला एंड रेक्टम में आपका कितना 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या रहेगा, फ़र्क रहेगा, ओके, ध्यान में रखना, ओके। एंड ओरल टेम्परेचर की अगर बात करेंगे, ओरल टेम्परेचर की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे आपको 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का फ़र्क रहेगा, और इसको हम 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड की फ़र्क रहेगा, हायर टू एक्सिलरी, ओके, ध्यान में रखना। कभी भी ओरल टेम्परेचर ये 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0.5 सेंटीग्रेड का डिफरेंस रहेगा ओरल एंड एक्सिलरी में, क्योंकि एक्सिलरी तो देखो यहाँ पे जो ओरल टेम्परेचर है, ओरल टेम्परेचर इज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0.5 सेंटीग्रेड हायर रहेगा ऑलवेज टू द एक्सिलरी टेम्परेचर, एंड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑलवेज लोअर रहेगा टू द रेक्टल टेम्परेचर, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ओके। इसमें कन्वर्ट 101.2 फ़ारेनहाइट इनटू द सेल्सियस ऐसा आया है, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड में हमको, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड में हमको कन्वर्ट करना है, ओके, ये ध्यान में रखना। अब इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये देखो ध्यान में रखना, तो ये लगेगा सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, ध्यान में रखना, ओके, फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो देखो अभी फ़ारेनहाइट कितना दिया है, 101.2, ओके, माइनस कितना रहेगा 32, ओके, इसके बाद इसको 5/9 से ये करना है, तो इसका राइट आंसर आएगा 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात ये हो गई सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट में कैसे फ़ारेनहाइट का सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट किया ये फॉर्मूला। अब फ़ारेनहाइट
का सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करने का। तो इसके लिए F इज इक्वल टू सी सेंटीग्रेड जो भी रहेगा आपका टेम्परेचर वो 9/5 प्लस 32, इसका ये फॉर्मूला बनेगा। अब समझ लो यहाँ पे हम एक ऑप्शन लेंगे कि सेंटीग्रेड 39 सेंटीग्रेड का जो है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे हम कि 39 × 9/5 प्लस 32, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा 39 × 1.8 प्लस 32 इक्वल टू, इसका राइट आंसर आएगा 102.2 फ़ारेनहाइट। ओके, तो इस तरीके से है, ये कन्वर्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है अगर एग्ज़ाम में आता है कन्वर्ट करने के लिए सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में, तो ये फॉर्मूले आप लगा के वो सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 pint of 10% डेक्सट्रोज यील्ड्स हाउ मच कैलोरी। उन्होंने बोला है एक पिंट है 10% डेक्सट्रोज का, यानी 10% डेक्सट्रोज ओके का एक पिंट। अब ध्यान में रखने वाली बात है कि 1 pint यानी कितना होता है, 1 pint इज इक्वल टू 500 ml। ओके, ये ध्यान में रखना, ये होता है एक पिंट यानी 500 ml, ध्यान में रखना। ओके, तो अभी एक पिंट, 1 pint ऑफ 10% डेक्सट्रोज, ओके 10% डेक्सट्रोज कितने कैलोरीज देता है ये पूछा है। तो इसमें इट विल कंटेंट नियर अबाउट 50 ग्राम डेक्सट्रोज, कितना 50 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। ओके, एक पिंट 10% डेक्सट्रोज में, एक पिंट मैंने यानी 500 ml 10% डेक्सट्रोज की जो बॉटल होती उसमें 50 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। ठीक है, अब बात यह है कि 1 ग्राम जो शुगर है, 1 ग्राम शुगर यानी क्या होता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। ओके, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको कितना कैलोरी देता है, तो सभी को पता है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स 4 कैलोरीज। ओके, 4 कैलोरीज, सो हमको 50 ग्राम × 4 करना है, तो राइट आंसर आएगा 200 कैलोरीज, कितना 200 कैलोरीज, तो इसका राइट आंसर जाएगा 200। ओके, सबको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, सिंबल यूज्ड फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर स्लीपिंग एट द बेड टाइम। ओके, तो बिफोर स्लीपिंग एट द टाइम सभी को पता है इसको हम HS के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो HS का फुल फॉर्म क्या होता है, HS यानी एट बेड टाइम। ओके, एट बेड टाइम, ये सबको ध्यान में रखने वाली बात है। देन उसके बाद व्हाट इज AC, AC का मतलब क्या होता है, बिफोर मील। ओके, बिफोर मील होता है। ओके, अब आएंगे OD, OD का मतलब क्या होता है, वंस अ डे। ओके, अब SOS का मतलब क्या आता है, SOS का इफ नेसेसरी। ओके, इफ नेसेसरी इन इमरजेंसी। ओके, ध्यान में रखने वाली बात है ये वाली। ओके, प्लीज कीप इन योर माइंड। ओके, देन इसमें पूछेंगे व्हाट इज PC, PC का मतलब क्या होता है, PC का मतलब होता है आफ्टर मील। ओके, आफ्टर मील, ओके ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद इसमें आ सकता है कि व्हाट इज BD, BD बोल के भी आ सकता है, सभी को पता है ट्वाइस अ डे। ओके, ट्वाइस अ डे, इसमें सवाल आएगा TDS, थ्राइस अ डे। ओके, उसके बाद QID आएगा, QID का मतलब होता है 4 times a day। ओके, 4 times a day। ओके, देन पूछेंगे QOD का मतलब क्या होता है, QOD का मतलब होता है एवरी अदर डे। ओके, एवरी अदर डे, ओके इसका मतलब। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, देन ऑन एन ऐसा भी एक एब्रिविएशन रहता है, ऑन यानी ईच नाइट होता है। ओके, ईच नाइट होता है। ओके, ईच नाइट, ठीक है, ऑन का मतलब होता है। देन ओम भी है, ओम का मतलब होता है ईच मॉर्निंग। ओके, ईच मॉर्निंग, ओके, तो इस तरीके से ये इसके एब्रिविएशन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है, सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशन इनटू, अब सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन देते हैं वो कहाँ पे देते हैं, तो यहाँ पे है मसल से, वेनस से, एपिडर्मिस से, फैटी लेयर। सबको पता है सबक्यूट यानी फैट, फैटी लेयर। ओके,
जो सबक्यूटेनियस में इंजेक्शन देते हैं उसको हम हाइपोडर्मिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिक। ओके, हाइपोडर्मिक जो एरिया रहता है उसमें देते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जो हाइपोडर्मिक जो इंजेक्शन देते हैं, दैट इज वी कैन वी विल गिव इन एडिपोज टिश्यूज और द फैटी टिश्यूज। ओके, तो जस्ट यहाँ पे जस्ट बिलो द एपिडर्मिस एंड डर्मिस के नीचे पे ये एडिपोज टिश्यू या फैटी टिश्यूज होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो एडिपोज टिश्यूज या फैटी टिश्यूज में हम क्या देते हैं, कौन सा ड्रग्स देते हैं? यहाँ पे इंसुलिन देते हैं, इसमें हम हेपेरिन भी देते हैं। कॉमनली हम लोग ये चीज़ प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो इसका जो एंगल बनता है, एंगल कौन सा बनता है? अगर हाइपोडर्मिक की अगर बात करते हैं, दैट इज सबक्यूटेनियस की अगर बात करते हैं, तो इसका एंगल बनता है 45। इसका एंगल जाता है सबक्यूटेनियस का। ओके, जो सबक्यूटेनियस का होता है 45 डिग्री का एंगल होता है, और समटाइम्स वी गिव 90 डिग्री ऑल्सो। ओके, तो ध्यान में रखना। अगर इंट्राडर्मल की अगर बात करते हैं तो ये देते हैं हम 5 to 15 डिग्री के एंगल में देते हैं, ठीक है। एंड अगर आईवी की बात करते हैं तो हम 15 to 45 डिग्री का एंगल हम यूज़ करते हैं। एंड आईएम की बात करते हैं तो इसमें हम 72 to 90 डिग्री का हम इसमें एंगल यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सभी को पता है। इंट्रामस्कुलर हम 90 देते हैं, आईवी 45 है, सबको पता है। ओके, सबक्यूट भी हम लोग 45 के आसपास देते हैं। 45 बेसिकली जो हम पढ़े हैं। इंट्रावेनस समटाइम्स वी कैन गो डायरेक्टली 25 डिग्री का भी जाता है। ओके, इंट्राडर्मल आप 10 to 15 डिग्रीज का भी पढ़े होंगे, तो ये भी जाता है। तो इस तरीके से आपको ये एंगल्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये सवाल आते हैं। तो बेसिकली इंट्राडर्मल 90 डिग्री, आईवी 25 डिग्री, ओके, आईएम 90 डिग्री, इंट्राडर्मल आप जा सकते हो 15 डिग्री, सबक्यूटेनस 45 डिग्री। तो ये बेसिकली ऐसी चीज़ें हमने सीखी है, बट ये भी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए कि इस तरीके से भी एंगल बन सकता है। नेक्स्ट है साइज ऑफ आईवी कैनुला फॉर नियोनेट। अब नियोनेट के लिए कौन सा कैनुला, सबसे बड़ा कैनुला कौन सा है यहाँ पे 24 का, ये ध्यान में रखना। अब बात ये आती है कि जब भी बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी एंड रैपिड फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन या ब्लड प्रोडक्ट्स या ब्लड देना है, तो बेसिकली देखो रैपिड फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन या ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं 14, 16, 18 एंड 19 के जो जो होते हैं ना, गॉज के जो कैनूले होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। देन उसके बाद हम बेसिकली अगर इसकी बात करते हैं, जो न्यूनेट की बात करते हैं, उनके लिए 24 to 26 गॉज के जो ये रहते हैं गेज के, ओके, जो कैनूले रहते हैं ये हम न्यूनेट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, किसके लिए? न्यूनेट के लिए, ध्यान में रखना। ओके, और ये रैपिड फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 14, 16, 18 का हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ओके, तो सबने सभी को पता है। अब जो यहाँ पे अभी कभी कभी कलर की भी बात आती है, कलर कोड के हिसाब से, ओके, जो कलर कोड्स होते हैं आईवी कैनुला के, ओके, ये कैसे होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 14 नंबर का जो गेज होता है उसका ये ऑरेंज कलर का आता है, ठीक है। देन उसके बाद 16 नंबर का जो रहता है, 16 गेज का, वो आता है आपका ग्रे कलर का आता है। ओके, 18 गेज का जो रहता है वो कौन से कलर का आता है? ये आता है ग्रीन का आता है, ठीक है। देन जो 20, 20 गेज का रहता है वो आता है आपका ब्लू कलर का आता है। ओके, जो 22 का रहता है वो रहता है, सॉरी, 20 गेज का पिंक रहता है। ओके, ये पिंक रहता है, 22 का ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। एंड 24 का जो रहता है वो आपका येलो कलर का रहता है, ओके, जो कि हम नियोनेट में यूज़ करते हैं। एंड लास्ट में 26 का जो रहता है वो पर्पल का रहता है, ओके, पर्पल का कलर का रहता है, ठीक है। तो जैसे कि पता है आपको 14, 16, 18 का सबको पता है, 19 का शायद से नहीं देखा होगा, ओके, होप सो। तो आपको ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, एंड 24 एंड 26 जो रहेगा वो आप न्यूनेट के लिए यूज़ करते हैं,
ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। ओके, अगर होप सो ये वीडियो अगर पसंद आता है आपको, ओके थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। कल हम दूसरा इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, बेसिक एमसीक्यू, बेसिक से थोड़ा सा अप लेवल जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, ओके, और कमेंट में अपने जो भी कमेंट रहेंगे वो डालिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।